हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल हीप के बारे में कि बाइनोमियल हीप क्या है और उससे डिस्कस हम करेंगे कि बाइनोमियल ट्री क्या होता है, बाइनोमियल ट्री को हम किस तरह से डिजाइन करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर बात करें कि बाइनोमियल हीप के बारे में कि बाइनोमियल हीप क्या होता है, तो बाइनोमियल हीप क्या होता है कि बाइनोमियल हीप इज ए कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री। तो बाइनोमियल ट्री के कलेक्शन को ही बाइनोमियल हीप कहते हैं, या कह सकते हैं कि अगर हमें किसी बाइनोमियल हीप को क्रिएट करना है तो हमें उसके लिए बहुत सारे बाइनोमियल ट्री की नीड पड़ेगी। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो बाइनोमियल हीप इज यूज टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू में। इसका यूज कहाँ किया जाता है? प्रायोरिटी क्यू में किया जाता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी हीप। तो इसका कह सकते हैं यह एक तरह का एक्सटेंशन है बाइनरी हीप का। दैट्स प्रोवाइड द फास्टर यूनियन और मर्जिंग। ये क्या करता है? यूनियन और जो भी मर्ज ऑपरेशंस होते हैं उनको एक साथ परफॉर्म करने के लिए इसका हम ज्यादातर बाइनरी हीप का यूज करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा बाइनोमियल हीप आया। अब अगर बात आती है कि कोई अगर बाइनोमियल हीप हमारा कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री है, तो सबसे पहले हम बाइनोमियल ट्री को जाने कि बाइनोमियल ट्री क्या होता है, बाइनोमियल ट्री की डिफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारी चीजों को। तो एक बाइनोमियल ट्री है इज ए यूनिक स्ट्रक्चर, या एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है ट्री का विच इज फॉलो द सम प्रॉपर्टीज, कुछ सम प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करता है। ये बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर जीरो हैज एग्जैक्टली वन नोड। मतलब अगर कोई बाइनोमियल ट्री है ऑर्डर जीरो का है तो कम से कम वो क्या करेगा, एक नोड को उसके पास एक नोड होगा जो जीरो वन का हो। जीरो मतलब अगर कोई बाइनोमियल ट्री है ऑर्डर जीरो का है तो उसके पास एक नोड होगी, अगर उसका ऑर्डर वन है तो उसके पास दो नोड होगी। तो इसी तरह से इसको देखते हैं। आगे अगर हम बात करें द बाइनोमियल, ए बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर के कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय टेकिंग टू बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर के माइनस वन एंड मेकिंग वन एज लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और अदर। तो कह रहा है कि कोई दो अगर हम के माइनस वन ऑर्डर के बाइनोमियल हीप को ले तो बाइनोमियल हीप बी के को डिजाइन करता है। देखो अगर ऑर्डर वन होगा तो ऑर्डर वन में हमने बताया कि एक नोड होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे फॉलो करते हैं हम। देखो अब अगर हमें ऑर्डर वन की बाइनोमियल ट्री को डिजाइन करना है तब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने बी जीरो लिया और यहां पे हमने फिर से एक बी जीरो लिया। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक नई बाइनोमियल। तो इसमें दो नोड्स हो जाएंगे, मतलब कुछ इस तरह से ये डिजाइन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये ऑर्डर ऑफ वन की बाइनोमियल ट्री है। ठीक है, अब अगर ऑर्डर ऑफ टू को डिजाइन करना हो तो ऑर्डर ऑफ टू को डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ऑर्डर ऑफ वन को ले ले तो ऑर्डर ऑफ टू डिजाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ टू है, देखो यहाँ अब इसमें इसमें, तो यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि मेकिंग वन एट मोस्ट चाइल्ड और अदर, मतलब लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में हमेशा इसको जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे जोड़ दिए तो इसको क्या हम कहेंगे, इस वाले को बी टू कहेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ टू बाइनोमियल ट्री कहेंगे। अब अगर तीन को करना होगा तब हम क्या करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ थ्री को डिजाइन करने के लिए अभी टू है हमारे पास, ठीक, ऑर्डर ऑफ टू और ऑर्डर ऑफ टू को जोड़ देंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ थ्री मिलके आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर ऑफ थ्री डिजाइन करना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ टू एंड ऑर्डर ऑफ थ्री यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये ऑर्डर ऑफ थ्री हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑर्डर जीरो है, ऑर्डर वन है, यहाँ पे दोनों ऑर्डर टू हो गया। अब ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री को डिजाइन करने के लिए हमने देखो क्या किया, इस ऑर्डर टू को एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा और इसके लेफ्ट में ऑलवेज रखा, तो ये ऑर्डर थ्री हो गया। ऑर्डर फोर को डिजाइन करने के लिए इस ऑर्डर थ्री को दो बार हम ऐड कर देंगे, मतलब ए ऑर्डर थ्री और ए ऑर्डर थ्री, तो हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर फोर बन के आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बाइनोमियल ट्री को हम क्रिएट कर रहे हैं। अब आगे बात करें कि डेप्थ क्या होती है। अब डेप्थ या हाइट इसकी कह सकते हैं, ये ऑर्डर जीरो, मतलब ऑर्डर क्या होता है कि जो ऑर्डर जीरो होता है उसकी डेप्थ जीरो होती है, ऑर्डर वन की डेप्थ टू होती है, मतलब डेप्थ इसकी डेप्थ जीरो इसकी वन। फिर ऑर्डर जो ऑर्डर टू होता है इसकी डेप्थ क्या होती है, टू होती है, जीरो यहाँ पे जीरो थी, वन थी, यहाँ पे टू थी, अब यहाँ पे थ्री होगी, यहाँ पे फोर होगी, तो इसकी ऑर्डर फोर। जैसे ऑर्डर फोर की बात करें, इसकी वन हो गई, इसकी जीरो हो गई, ठीक, उसके बाद हमारे पास आएगा ए वाले, जो वन होगा,
टू होगा, फिर ये थ्री वाले होंगे और ये लास्ट वाले हमारे क्या होते हैं, फोर होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें बाइनोमियल ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट हैज एग्जैक्टली 2 के पावर k नोड, यहाँ पे 2 के पावर k होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर k नोड, मतलब जो भी होता है हमारे पास बाइनोमियल ट्री होती है उस क्या करती है 2 के पावर k नोड्स को स्टोर करती है। इट इज इट हैज ए डेप्थ और हाइट ऑफ के, इसकी हाइट और डेप्थ जो होती है वो k होती है। k की वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे अगर हमने बात किया k, अब यहाँ पे देखो k क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा था ऑर्डर ऑफ b0 b1 b2 और b3 ऐसे है, तो ऑर्डर ऑफ k, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं bk, यही होता है। जो k की वैल्यू है वो 0 है 1 है 2 है, तो जो BK जितने ऑर्डर का ट्री होगा उसकी हाइट उतना होगी, या कह सकते हैं अगर ऑर्डर 0 की है तो उसकी डेप्थ या हाइट क्या होगी 0 होगी। ऑर्डर 4 का अगर ऑर्डर 4 का है तो K की वैल्यू 4 है तो हाइट क्या होगी 4 होगी। अभी हमने यहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया है। अब अगर बात करें इस वाले चीज को, इट हैज एग्जैक्टली 2 के पावर k नोड्स, 2 के पावर k नोड्स का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बाइनोमियल हीप है हमारे पास, ठीक है, बाइनोमियल ट्री है, 2 के पावर k का मतलब क्या, अगर यहाँ पे देखा हमने जैसे इस वाले एग्जांपल को, अगर हमने b3 वाले को, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 3 है, k की वैल्यू कहाँ से हमने फाइंड आउट किया, यहाँ b3 है तो b3 है। ठीक है, तो bk होता है, k से कंपेयर किया, यहाँ हमें वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई, तो कह रहा है कि इट हैज एग्जैक्टली 2 के पावर k नोड्स, तो 2 के पावर k नोड्स, तो 2 के पावर k कर लेते हैं हम, 2 के पावर 3 कर लो, 2 2 4 4 2 8, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आया, 8 नोड्स है क्या, 4 नोड्स इधर है 4 नोड्स इधर है, 8 हो गया। अगर मान लो 2 के पावर 4 हमने कर लिया, अगर मान लो ऑर्डर 4 को हम ले रहे हैं तो 2 के पावर 4 होगा, तो यहाँ पे कितना 16 नोड हो गए, तो देख लो 4 इधर 4 इधर 8, 8 इधर 16। अगर हमने 2 के पावर मतलब ऑर्डर 2 अगर हमने ले लिया तो 2 के पावर 2 होगा 2 2 4, तो यहाँ पे क्या हो गई 4 नोड हो गई। तो ये हमें पता करता है कि इट हैज एग्जैक्टली 2 के पावर k नोड हो गया। दूसरा क्या, इट हैज ए डेप्थ और हाइट ऑफ k, मतलब इसकी जो डेप्थ होगी हाइट होगी वो k होगी, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्डर का हमारा बाइनोमियल हीप होगा, बाइनोमियल ट्री होगा, उसी ऑर्डर में हमें क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, देयर आर एग्जैक्टली क्या करता है कि KCI नोड एट डेप्थ, ठीक है, हाइट फॉर 0 इतना। KCI की मतलब क्या हो गई कि यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं, ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली KCI नोड्स एट डेप्थ, डेप्थ पे कितने क्या है कि इसके नोड्स हैं, तो हमारे पास क्या हो गया KCI, तो हमने एक फॉर्मूला मैथ में पढ़ा था, क्या NCR का पढ़ा था, तो वहां पे क्या होता था n फैक्टोरियल होता था, फिर यहाँ पे r फैक्टोरियल, n माइनस r का होल का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको रख दें यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा k फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा i फैक्टोरियल, ब्रैकेट में हो जाएगा k माइनस i का फैक्टोरियल, ठीक है, इसका फैक्टोरियल। अब इस पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू 0 1 2 3 4, मतलब k माइनस 1 तक हो सकती है i की वैल्यू। अब k की वैल्यू हमने तो देख ही लिया है, k की वैल्यू कहाँ तक होती है, एक k की हमारी वैल्यू है जो 2 है 3 है 4 है 5, ये हमारी क्या है k की वैल्यू है। तो आई होप कि आप फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे क्या है कि अब हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कोई वैल्यू हमें निकालना है, तो उससे हम इस वाले फॉर्मूला से कुछ इस तरह के ट्री बनाते हैं, ट्री मतलब बनाते हैं एक बाइनोमियल हीप कुछ इस तरह से बनाते हैं। जैसे अगर हमारे पास देख लें, हम कितने हमारे पास ये हैं ऑर्डर ऑफ बाइनरी ट्री है, बाइनोमियल ट्री, तो बाइनोमियल ट्री अगर b1 है, ठीक है, b2 है, b3 है, अब इनको क्या करेंगे हम एक नोड से जोड़ दिए, तो ए क्या हो गई हमारी कुछ इस तरह से जो बन रही है, इसी को हम क्या कहते हैं कि ए इस वाले फॉर्मूला पे वर्क करती है। द रूट ऑफ द ट्री हैज डिग्री के, तो रूट ऑफ ट्री डिग्री के मतलब डिग्री जो होती है, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे जुड़े हैं रूट से हमारे, ठीक है, के एंड चिल्ड्रेन ऑफ रूट, और रूट के जो भी चिल्ड्रेन है देमसेल्फ ऑफ द बाइनोमियल ट्री ऑर्डर के माइनस वन के माइनस टू एंड वन तक, इस तरह से जाएंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर के माइनस वन है के माइनस टू, इसी तरह से क्या करेगा ये जीरो तक जाएगा, जो हमारे इनके डिग्री होती है कुछ इस तरह से जुड़ते हैं, मतलब एक ऑर्डर में जुड़ते हैं। जब भी कोई ट्री को हम
बाइनोमियल ट्री बाइनोमियल हीप को डिजाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नंबर एक ऑर्डर में डिजाइन होते हैं। ऑर्डर में डिजाइन होने का मतलब क्या है कि अगर सबसे पहले हमारे पास बी जीरो आ रहा है, उसके बाद बी वन आएगा, बी टू आएगा, बी थ्री आएगा, इस ऑर्डर में हम क्या करते हैं बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले बी जीरो आया, फिर बी फाइव आया, फिर बी जीरो आ गया। ये बी जीरो बी फाइव तक, यहाँ तक तो सही था, लेकिन ये बी जीरो दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि ये जब भी होंगे एक ऑर्डर में होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है और किन चीजों को ये फॉलो करता है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।